हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर टेस्ट चला जाए या स्मेल चली जाए तो हम क्या कर सकते हैं। इन दिनों सब ने देखा है कि कोरोना के पेशेंट्स को टेस्ट और स्मेल चला जाता है, और इसी के कारण जिन पेशेंट को कोरोना है ही नहीं वो भी डर जाते हैं जब उनका टेस्ट और स्मेल चला जाता है। तो सबसे पहले बड़ी ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब टेस्ट चला जाए और स्मेल चली जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना ही है। ऐसा भी हो सकता है कि अदर इन्फेक्शंस हो, अदर कोई समस्या आपके शरीर में हो जिससे ऐसा हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि अगर टेस्ट और स्मेल चला जाए तो सिर्फ तीन उपाय, और आपके घर पे जिन परिवार के सदस्यों के साथ ये समस्या है वो सिर्फ दो या तीन दिन में ठीक हो सकते हैं। सिर्फ दो या तीन दिन में इन तीन उपायों को करने से आपका जो चला गया है टेस्ट वो वापस आ जाएगा। ज़्यादातर जो मुझे बात करनी है वो ये है कि टेस्ट चला जाए इससे लोगों को समस्या नहीं है, इसके साथ तो शायद 15 दिन भी निकाल ले। प्रॉब्लम यह है कि जब टेस्ट चला जाता है तो अंदर से एक डर रहता है बाहर के माहौल के कारण कि कहीं हमें कोरोना नहीं है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, तीन दिन इन उपायों को करिए और आप ठीक हो जाएंगे। तीन उपायों में से पहला उपाय है जहां पर आपको नींबू का इस्तेमाल करना है। आधे नींबू के ऊपर काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी सौंठ डाल दीजिए और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए। उस आधे नींबू को आपको एक तवे पर गर्म करना है, और जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, जल ना जाए इसका ध्यान रखिए, थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर उसको निकाल लीजिए, ठंडा होने दीजिए और फिर चूस के खा जाइए। जब आप इसको चूस के खा जाएंगे तो आपकी ओरल कैविटी में कुछ ऐसे बदलाव आना शुरू होंगे कि सिर्फ दो या तीन दिन में आपके टेस्ट वापस आना शुरू हो जाएगा। जिन पेशेंट्स को भूख नहीं लगती इससे उनको भूख लगना भी शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, बड़ा खास उपाय है। हमने ये उपाय कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के ऊपर भी करके देखा है, उनको भी काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है। एलर्जी के पेशेंट्स और ऐसे पेशेंट्स जिनका नाक बंद हो जाता है, सांस नहीं ले पाते, टेस्ट चला जाता है, एलर्जी है, साइनस की प्रॉब्लम है, सर दर्द है, ऐसे पेशेंट्स को ये उपाय बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। पिछले 10 सालों से हम दे रहे हैं और इस समय कोरोना काल में हमने पेशेंट्स को देकर देखा और इसके बड़े चमत्कारिक परिणाम हमने देखे हैं। दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बड़ा आसान सा है उपाय नंबर दो। दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ है, उसका नाम है अदरक। हर किचन में अदरक है तो आप अदरक का इस्तेमाल करना है। अदरक के छोटे छोटे दो तीन टुकड़े ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। इन दोनों को एक रुमाल में बांध के फिर उसका आपको रस निचोड़ना है। जो रस निकलेगा, हमें सिर्फ तीन बूंद चार बूंद रस चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए। ये तीन चार बूंद जो रस है इसका इस्तेमाल हमें नाक के दोनों नॉन्स्ट्रिल्स में एक एक या दो दो बूंद डालने के लिए करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि गुड़ जो है वो भी तीक्ष्ण है, उष्ण है, और अदरक भी उष्ण और तीक्ष्ण है, तो इसके कारण ये काफ़ी इरिटेशन करेगा। तो डायरेक्ट नहीं डालना है, इसके अंदर आपको दूध मिलाना है। दूध डाल के इसको थोड़ा माइल्ड कर दीजिए, मंद कर दीजिए, और फिर दोनों नॉन्स्ट्रिल्स में एक एक या दो दो बूंद डालिए। ये करने के 10 मिनट के अंदर आपके नाक जो नॉन्स्ट्रल्स बंद है वो खुल जाएंगे, सांस लेना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ से लेके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक के अंदर को इन्फेक्शन से उनको काफ़ी जल्दी ठीक करता है, साइनस को भी ठीक करता है, सरदर्द के पेशेंट को ठीक करता है। और जैसे कि हम अभी वो छोटी सी कपूर और अजवाइन की मिश्रण वाली एक छोटी पोटली बना के हम सूंघते हैं, ऐसी ही एक असर ये भी करेगा। ये दूसरा उपाय है जो घर पे किया जा सकता है, और हज़ारों साल में आयुर्वेद में ये सेम उपाय किया जा रहा है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आयुर्वेद में करीबन 900 ऐसी चीज़ें हैं जो नाक में डाली जाती है। तुलसी के भी ड्रॉप्स लिए जाते हैं, और इन दिनों नींबू के बारे में भी बात होती है कि नींबू के भी दो बूंद आप नाक में डालिए, और ऐसे मुझे परिणाम मिल रहे हैं। ऐसे कई सारे वीडियोज़ अभी फिर रहे हो और आपने देखा है। तो नींबू के सापेक्ष में ये चीज़ें माइल्ड है, इसका इस्तेमाल करने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप ये दूसरा उपाय कर ले और आप पेशेंट सेंसिटिव है और उनको अंदर जलन महसूस होती है, इरिटेशन महसूस होती है, ऐसा कुछ है, तो बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, ये उंगली से लेकर, छोटी उंगली से लेकर आप नाक में मसाज कर सकते हैं, जिससे इरिटेशन कम हो जाएगा। तो दो उपाय तो हो गए, अब तीसरा उपाय है। तीसरा उपाय बड़ा खास है। तीसरा उपाय उन सारे दोस्तों के लिए है जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए भी है जिनको प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसा उपाय है कि अगर इनको करने ये किया जाए, हर महीने में दो महीने में एक बार इस तीसरे उपाय को किया जाए, तो इससे आपके दांतों की क्षमता बढ़ेगी। दांत कभी हिलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा, कभी रूट कैनाल की कंडीशन आपके सामने आएगी नहीं, ओरल कैविटी ठीक रहेगी, भूख लगेगी, और जो सलाइवा बनती है वो अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी में बनती रहेगी।
ये जो तीसरा उपाय है इसका नाम है छड़ रसीय चिकित्सा, यानी कि छह रस की विधि है। इसमें छह रस का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से रस? खट्टा, खारा, तीखा, तूरा, कड़वा और मीठा। ये छह टेस्ट का इस्तेमाल करना है। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट में जल्दी समझ में आ जाए इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। छह टेस्ट, रोज एक टेस्ट का इस्तेमाल करना है। किस तरीके से? एक गिलास पानी में वो टेस्ट बनाने के लिए जो डालना पड़े वो डालना है। क्या डाला जा सकता है? मीठे टेस्ट के लिए गुड़ डाल सकते हैं, खारे टेस्ट के लिए नमक डाल सकते हैं, तीखे टेस्ट के लिए आप इसमें सौंठ डाल सकते हैं, तूरे टेस्ट के लिए, कषाय के लिए आप इसमें डाल सकते हैं हरड़, तीखे के लिए आप सौंठ डाल सकते हैं जैसे मैंने बताया। वैसे ही अलग टेस्ट आप किचन में कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। हर दिन एक टेस्ट का इस्तेमाल करना है, यानी कि एक ग्लास बनाया, पेशेंट ने उसका एक घूंट भरा, उसको मुंह में घुमाया। जब टेस्ट आपकी जबान ले लेगी तो वो जो लिक्विड आपने अंदर डाला है वो टेस्ट लेस हो जाएगा, उसका टेस्ट कम होता जाएगा। जब टेस्ट लेस हो जाए उसको थूक दीजिए, फिर दूसरा घूंट लीजिए तो जबान फिर काम करना शुरू करेगी, क्योंकि टेस्ट तो पहले आ नहीं रहे थे, तो जल्दी जल्दी ही आपको थूकना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट आपको लगेगा कि ये लिक्विड तो टेस्ट लेस हो गया है। उसको एक एक घूंट करके पूरे ग्लास को ख़त्म करना है। छः दिन में छः टेस्ट, और तब तक आपका जो टेस्ट और स्मेल की प्रॉब्लम है वो चली जाएगी, और सिर्फ तीन दिन में ये समस्या ठीक हो जाएगी और आप इस डर से बाहर निकल जाएंगे कि शायद मुझे कोरोना हो सकता है। तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, समय थोड़ा गंभीर है, हम मीडिया में और ये सब जो देख रहे हैं इससे सब लोग डर रहे हैं, पर डरिए मत, ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं कौशिक जी आपका स्वागत करता हूँ स्वास्थ्य प्रेमी परिवार के इस चैनल में, और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस संस्था की सेवा ये लेने में। बहुत सारे लोगों ने पूरे भारतवर्ष से हमारा संपर्क किया है और हमने हज़ारों लोगों तक पहुँच के उनको ऐसी मदद की है कि घर से आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड वंदे मातरम।